तेरे को मारना है इसको क्या? सुन ही नहीं रहा है, हाजिर नहीं हो रही है। फ्रेश व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सो आज हम फैजल भाई और मैं जा रहे हैं कहीं दूर घर से, तकरीबन 45 किलोमीटर दूर। एक्चुअली हम घर में बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, सो आज हमने प्लान किया कि हम कहीं ऑफ रोडिंग करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक जगह है, शायद बड़ी ब्रा के नाम से, कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं उस नाम को, बड़ी ब्रा नाम से कोई जगह है, वहाँ पे थोड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा आपसे वहीं पे मिलते हैं। और हमारी कुछ बंदे और भी आ रहे हैं, उन लोगों ने हमें कॉल किया कि भाई हम भी आ रहे हैं, जब आप ऑफ रोड पे जा रहे हो तो हमको भी बोलना था। हमने बोला भाई आ जाओ, हम आगे आपका डीके मरग में इंतजार करेंगे। तो उनका कहना है कि भाई हम घर से निकल चुके हैं, हमारा वेट कर लीजिएगा। तो गाइस, जिन बंदियों का हम वेट कर रहे हैं ना, वो आगे बाइक पे चल रहे हैं, आप देख रहे हो ना। इन बंदी ने ना हमारा टाइम जो है बोल के, आधा घंटा बोल के ना डेढ़ घंटा लगा दिया यहाँ तक पहुँचने में। बस थोड़ी दूर है, अब ऑफ रोडिंग का ट्रैक शुरू हो जाएगा। देन हमारा तीसरा टीममेट भी आ रहा है, वो अपनी बाइक लेके घर से निकल चुका है। वो बोल रहा था हमारा इंतज़ार कर लेना, मुझे रास्ता पता नहीं है। मैंने बोला यार लोगों से पूछ के तो पहुंच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे, तो हम आपका इंतज़ार वहीं पर करेंगे। क्योंकि अगर हम उस बंदे का भी वेट करेंगे ऑलरेडी, जो हमारे दूसरे पार्टनर हमारे साथ अभी चढ़ रहे हैं, उन लोगों ने हमारा डेढ़ घंटा टाइम जो वेस्ट किया, इसके चक्कर में हम दूसरे बंदे का वेट नहीं करेंगे। अब हम सीधा उसको जो डेस्टिनेशन पे उसका वेट कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं बड़ी ब्रा, यहाँ से जो है फर्स्ट पड़ाव शुरू हो रहा है ऑफ रोडिंग का। चल टार्जन धोखा नहीं देना, बस शुरुआत हो रही है अपनी टार्जन के ऊपर ऑफ रोडिंग करने के लिए हमारा बिस्मिल्लाह। चल टार्जन धोखा नहीं देना, टार्जन हाँ चलो 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 चलो, चल रही है मेरे कजन की भाई, और मैं चल रहा हूँ टार्जन के ऊपर जिसके अंदर कोई गियर सिस्टम नहीं है। चलो 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 चलो, ऑफ रोडिंग का अलग ही मजा है भाई। चल टार्जन, तो टार्जन भी अभी चढ़ रही है। ओ भाई साहब, क्या ही ऑफ रोड है भाई। चल टार्जन, ओ टार्जन फंस गई, चलने का अलग ही मजा आता है यार, ऑफ रोडिंग का अलग ही मजा है। यहाँ तक तो पहुँच गए, आई थिंक हम गलत रास्ते से आए, रास्ता वहाँ से है। गाइस हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हमारी जो ऑफ रोडिंग है वो शुरू होने वाली है। जी हमारी जो टार्जन और बाइक है के वहाँ पे रुकी हुई है, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना प्यारे पहाड़ है। देन जो ऑफ रोडिंग का ट्रैक है वो यहाँ से भी है, बट जो हमारे पास टार्जन है उसमें गियर नहीं है। आपको पता है टार्जन में स्कूटी को कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो हमारे पास बाइक है वो कहीं से भी जा सकती है, फुल गियर लगा के चढ़ जाती है। देन अभी हम वहाँ से वापस आएंगे। जो ये वाला ट्रैक है आप देख सकते हो, आपको हालांकि वीडियो में दिख रहा होगा ये थोड़ा बहुत है, बट ये हद से ज़्यादा नीचे है, ढलान है। तो यहाँ से सीधा जाएंगे हम उस वाले, तो हम यहाँ से जाने वाले। तो हमने एक बंदे को भेज दिया, वो वहाँ से हमारा शॉट लेगा, यहाँ से हम नीचे जाएंगे। करंट आगे चलो, तो चलो आगे आगे आराम से उतरना, ठीक है। यार स्कूटी पे ऑफ रोड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्कूटी बनी है सिटी एरिया के लिए, ये पहाड़ी एरियाओं के लिए नहीं बनी है। बट फिर भी मैं इस पे ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। ये कामरान भाई को थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि मैं ही उतरता हूँ पहले। सो ये है, उतर गए फाइनली हम। शिट, दूसरी बाइक भी आ रही है, आराम से आना। चल 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 चल,
सो यहाँ पे ऐसे ये थार वाला ट्रैक है भाई, ओ बहुत खतरनाक है यार, आपको वीडियो में लग रहा होगा बट बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है। ओ शिट मैन, आप देख सकते हो हमारा प्लान था यहाँ से नीचे जाने के लिए, बट जो हमारे पास बाइक है, बाइक वाले ने मना कर दिया, बोला कि मैं तो बाइक लेके जा सकता हूँ नीचे बट आने में मुझे दिक्कत हो जाएगा। मैंने बोला यार मेरे पास टार्जन है, कोई टेंशन नहीं, अगर आप बोलोगे तो नहीं जाएंगे। देन हम वहाँ से इधर तक तो आ गए, ये बंदे अभी फ़ोटो ले रहे हैं, वो देख रहे हो। सो अभी यहाँ पे बंदे फ़ोटो ले रहे हैं, मैंने भी कुछ दो चार फ़ोटो ले लिए, अभी ये वो लोग लेंगे। तो यहाँ से हमारा प्लान जो है हुमपथर जाने का, बोल रहे हैं हुमपथर में एक अच्छी लोकेशन है, वहाँ पर हम फ़ोटो वगैरह शूट करेंगे। चढ़ गई चार बार बार भाई की इज्जत का सवाल है, चार चार। सो हमारे पास और एक बाइकर अभी आया है, तीसरा बाइकर हमारी इस ऑफ रोडिंग में शामिल हुआ है, वो दोनों आगे चल रहे हैं, उनके पास हैवी इंजन वाली बाइक है, उसके पास दोनों बाइक में 155 cc का इंजन है, दोनों बाइक के जो है वो यामाहा की है, और जो मेरी टार्जन है वो भी यामाहा की है, पर मैं सबसे पीछे अभी चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा इनको ब्लॉग में जो कवर कर लूंगा, पार्सन पाथरी हुन पाथरी जिसे कहते हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ब्लॉग वगैरह जो है ऑफ रोडिंग का शूट कर लेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज ऑफ रोडिंग करने में, अलग लेवल का टेंशन है ना। सो फाइनली ऑफ रोडिंग का ट्रैक जो है वो खत्म हो चुका है, अब हम अपने जो टीएल राइडर्स है उनका वेट करेंगे। देख सकते हो जो बाकी बाइकर्स आ रहे हैं उनकी बाइकें जो वहाँ पे है, देन हमारी एक बाइक यहाँ पे, देन मेरी टार्जन यहाँ पे, और दूसरी बाइक हमारी आ रही है, जो हमारे बंदे वो चल के आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बाइक लेके नहीं आ रहा, जो भी आता है वो अपनी बाइक जो नीचे खड़ी कर देता है, देन उसके बाद इस वाले ट्रैक पे आता है। दानी भाई क्या लग रहा था आपको? मुझे मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी स्कूटी यहाँ पे आती कैसे है, मतलब कैसे चढ़ती है ऊपर। हाँ आपने पहली बार मेरी स्कूटी को यहाँ पे आते हुए देखा? हाँ पहली बार देखा, मतलब स्कूटी को इतनी ऊंचाई पे आती है। अच्छा तो दानिश भाई भी कह रहा है कि यहाँ पे स्कूटी लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। चले चलो चलते हैं। अब देख सकते हो दानिश भाई क्या भी कह रहा है कि इसने पहली बार यार स्कूटी को इतना ऊपर देखा है, हैरान हो रहा था भाई बंदा, क्योंकि ये टार्जन है यार, क्योंकि जब आप गाड़ी के टाइम पे सर्विस करोगे ना, उसकी केयर करोगे, आप कहीं भी जा सकते हो। हालांकि स्कूटी को ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम निकल रहा है, 2 से 3 साल मैक्सिमम, फिर उसका कबाड़ा बन जाता है। मेरी स्कूटी को हो गया आज 8 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, 2014 मॉडल है, और अभी भी मक्खन जैसे चढ़ रही है, किसी भी पहाड़ के ऊपर आराम से चढ़ जाती है, कोई बिना टेंशन के, बिना हिचकिच के। ओ गिर जाएगा यार, क्या कर रहा है तू? ये बंदा इसको पक्का गिराएगा, जो पीछे वाला बंदा है ना सच में गिर जाएंगे अभी। देखो 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 क्या कर रहा है, देखो यार ये पंगा कर रहा है यार, तेरे को मारना है इसको क्या? A few moments later. So guys, finally हम पहुंच चुके पंचन पथरी के मैदान में, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा मैदान है, और हमारी जो है सांस फूल रही है क्योंकि तकरीबन कितने चले हम भाई, 600 मीटर ना, 600 मीटर के आसपास हम चले भाई ना, 500-600 मीटर हम चले होंगे, बट इतनी ज़्यादा सांस फूल रही है यार, हालत ख़राब हो गई है, और जो हमारा हेयर स्टाइल है वो भी ख़राब हो चुका है, उस पर माइंड नहीं करना क्योंकि हम रेगुलर जो है हेलमेट पहनते हैं, उसकी वजह से हुआ है।
लोकेट सी घास। One hour later.